दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोल्डरिंग आयरन का ऐसे पार्ट का रिपेयर करके दिखाने वाला हूं जिसके इस खराब होने पर शायद आपको सीधा सोल्डरिंग आयरन ही बदलना पड़ जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सोल्डरिंग आयरन का टिप का रिपेयर करके दिखाने वाला हूं जिसका वीडियो आपको यूट्यूब पर शायद देखने को नहीं मिला होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कुछ सीखने की चाहत हो तो सब्सक्राइब और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सोल्डरिंग है ना, इसका जो टिप है दोस्तों वह जल कर खराब हो चुका है। इसका एक साइड का पट्टी दोस्तों वह टूट चुका है जिसके कारण दोस्तों क्या होता है कि यह प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है और अच्छे से हीट नहीं करता है। दोस्तों इसका जो क्वाइल होता है वह आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, मगर दोस्तों इसका जो टिप होता है वह आपको आसानी से नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको इस टिप का रिपेयर करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने सोल्डर आयरन का रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो टिप होता है क्या होता है कि जब हम इसे यूज करते रहते हैं तो यह पुराना होता है तो धीरे धीरे पतला हो जाता है जिस कारण से यह कमज़ोर हो जाता है और हमारा जो सोल्डरिंग आयरन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों हम आपको इसका रिपेयर करके दिखाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस प्रकार का एल्युमिनियम का पेपर का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार का हमने यहाँ पर एल्युमिनियम की पट्टी ली है। दोस्तों हमने यहाँ पर एल्युमिनियम का पट्टी इसलिए लिए हैं ताकि इसमें जंग न लगे और अच्छे से वर्क करें। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार का एल्युमिनियम का पट्टी ले लिया। अब इसे क्या करेंगे, इसका जो टिप है उसके ऊपर हम इसे अच्छे से लपेट कर लगाएंगे। तो दोस्तों आपको उसके अलावा इस प्रकार का तार का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तार को हमने जो टंग क्लीनर आता है दोस्तों उसमें का जो लोकल वाला आता है उसमें का तार हमने लिया है जिसको हम इसके लॉक बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ये जो टिप है दोस्तों इस प्रकार से ऐसे लगा देना है और ये जो एल्युमिनियम की पट्टी दोस्तों इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और टाइटली अच्छे से लपेटेंगे। तो हम थोड़ा सा इसे किनारे से इस प्रकार से कट लगा लेते हैं। दोस्तों कट हमने इसलिए लगाए हैं कि हमारा जो टिप का एक साइड का पट्टी टूट गया है तो हम एक साइड का पट्टी के अंदर इसे इस प्रकार घुसा कर लपेटेंगे ताकि दोस्तों हम इसे लपेट लेने के बाद हम इसे बाद में टाइट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसे प्रॉपर तरीके से थोड़ा टाइटली अच्छे से कर देंगे इस प्रकार से लपेटते हुए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम की पट्टी थी उसे इस प्रकार से ऐसे अच्छे से टाइट कर दें, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दो लॉक लगाएंगे। जो तार हमने आपको दिखाया दोस्तों उस तार को हम इसके हिसाब से गोल काटेंगे और इसके ऊपर लॉक लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा गोलाकार में इस तार को मोड़ेंगे। तो मोड़ने के लिए दोस्तों हम इसे प्लायर की मदद से धीरे धीरे करके गोल मोड़ेंगे इस प्रकार से। दोस्तों हमें यहाँ पर दो लॉक का जरूरत पड़ेगा, हम एक आगे लगाएंगे और एक पीछे लगाएंगे जो पट्टी हमने लगाया उसके ऊपर। तो इस प्रकार से गोल बना लेने के बाद हम इसे कटर की सहायता से इस प्रकार से काट देंगे। तो काटने के बाद दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो लॉक हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एक लॉक बनाकर तैयार करके रख लिए। तो हम इस लॉक को इसके ऊपर लगाएंगे पट्टी के ऊपर और इस पट्टी के नीचे वाले भाग में दोस्तों यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर लाकर इसे थोड़ा प्लायर की मदद से थोड़ा टाइट कर देंगे। दोस्तों आपको प्लायर से टाइट करते समय ध्यान रखना है कि इसका जो क्वाइल है उसमें कोई नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से हमारा जो टिप है दोस्तों वह टाइट हो चुका है। अब हम यहाँ पर दूसरा वाला जो लॉक है उसे भी यहाँ पर लगा कर प्लायर की मदद से टाइट कर देते हैं। दोस्तों हम इसे अगर ढीला जाता है तो हम इसे घुमाकर टाइट कर सकते हैं। तो टाइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो टिप है दोस्तों उसे एक हाथ में पकड़ना होगा और ये जो ऊपर का जो पट्टी हमने लपेटे हैं उसे उल्टे दिशा में घुमाना होगा तो यह ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने इस पट्टी का नीचे वाला भाग को हम इस टिप के अंदर दबा कर लपेटे हैं, इस प्रकार से तो हम इसे टाइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो अच्छे से टाइट हो चुका है। दोस्तों अब हम आपको इसका जो मजबूती है उसे टेस्ट करके आपको दिखाएंगे, यह काफ़ी मजबूत हो चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस हमारे जो प्लायर उसे इसमें उठाकर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो इसका जो टिप है वह काफ़ी मजबूत हो चुका है। दोस्तों क्या होता था, जिसका जो टिप था वह ख़राब हो चुका है तो यह सोल्डरिंग करते वक्त इधर उधर मुड़ जाता था। तो दोस्तों हमें सोल्डरिंग करने में दिक्कत हो रहा था तो हम यहाँ पर इसे प्लग में लगा दें। अब आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि हमारा जो सोल्डरिंग है वह प्रॉपर तरीके से हीट करता है कि नहीं। तो आप देख सकते दोस्तों हमारा सोल्डरिंग आयरन हीट हो चुका है। तो हम इसे यहाँ पर रंगा पिघला कर दिखा दें। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वह प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पर इसे प्लेट में आपको सोल्डरिंग आयरन को पिघला कर दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह तुरंत ही पिघला दे रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वह अच्छे से वर्क कर रहा है और हीट कर रहा है।
तो दोस्तों आप अपने सोल्डिंग आयरन का अगर टिप खराब हो जाए तो इस प्रकार से उसका रिपेयर करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।